इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज़, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। अफराद जख्मी भी हुए, कुछ शहादतें भी हुई, लेकिन फिर मुज़ाकरात कामयाब हुए और मामलात बेहतरी की तरफ चल पड़े। अच्छा, मुजाहिरीन का ये मुतालिबा है कि फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करके फ्रांस से हर किस्म के ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएं, और हुकूमत ने फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करने के लिए करारदाद जो है वो असेंबली में पेश भी कर दी है। लेकिन एक सवाल कि अगर हम फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर कर देते हैं तो इसके पाकिस्तान की मईशत और सफारती सतह पर क्या असरात मुरतब होंगे। फ्रांस यूरोपीय यूनियन का एक अहम रुकन है, फ्रांस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का भी मुस्तकिल मेंबर है, और पाकिस्तान की मजमू एक्सपोर्ट्स में टेक्सटाइल सेक्टर का अहम हिस्सा है, और इस हिस्से में से एक बड़ा शेयर यूरोप एक्सपोर्ट्स का है। अब यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान जो जीएसपी प्लस है उसको भी एक स्टेटस दे रखा है, और यूरोपीय ममालिक का पूरी दुनिया में एक अहम मुकाम भी है, और पाकिस्तान क्या इन ममालिक से अपने ताल्लुकात ख़राब करना बर्दाश्त कर सकता है। सफ़ीर को बेदखल करना या ना करना, ये तो हुकूमत और पार्लियामेंट का फैसला होगा, लेकिन इस मामले के मुहरकात पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक जानब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, और हम ना अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुरमत पर कोई आँच आने दे सकते हैं और ना मुल्क के वक़ार और मुस्तकबिल पर। अब एक मुश्किल फैसला है, लेकिन अब देखते हैं कि हुकूमत इसमें अब क्या करती है, पार्लियामेंट से आखिर फैसला आता क्या है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज प्रोग्राम में दावेद अमीन साहब को, जो साबिक सफीर हैं और बतौर सफीर फ्रांस में भी पाकिस्तान के लिए खिदमत अंजाम दे चुके हैं, सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और साथ ही फारूक सलीम साहब ने ज्वाइन किया, जो कि इकॉनमी पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं और एक एनालिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। फारूक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं शाहिद अमीन साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। फ्रांस को आप बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं क्योंकि आप बतौर सफीर रह चुके हैं और पाकिस्तान के लिए खिदमत अंजाम दे चुके हैं। अब ये जो मामला जिस तरफ जा रहा है फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर करने और ताल्लुकात ख़त्म करने से, आपको लगता है कि सिफारती सतह पर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा? यकीनन बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बल्कि इसके खासे मनफी नतायज होंगे जो कि बड़े अरसे तक पाकिस्तान को बुरी तरह उस पर असरअंदाज होंगे। इसलिए वैसे भी देखिए, खारजा पॉलिसी के फैसले जो हैं सोच समझ के किए जाते हैं, जज्बात में बह के नहीं किए जाते। और दूसरी एक सवाल एक उसूल का भी है कि क्या फैसला हमारी हुकूमत या पार्लियामेंट करेगी या एक ग्रुप जो के जलाओ घिराओ करके दबाव डाल के हुकूमत को मजबूर कर रहा है कि खारजा पॉलिसी का फैसला उसकी मर्जी के मुताबिक किया जाए। अगर आज आप उनकी ये बात मान लेते हैं तो आइंदा वो किसी और इशू पे आन के जलाओ घिराओ करके हुकूमत को मजबूर करेंगे। गोया के जो पार्लियामेंट का सॉवरन राइट है, हुकूमत का सॉवरन राइट है खारजा पॉलिसी में और दीगर मामलात में फैसले करने का, वो उनसे छीन कर एक मॉब को दे दिया गया जो जलाओ घिराओ करके अपनी मनमानी करना चाहता है। तो ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। एक मॉडर्न स्टेट में ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि ऐसा किया जाएगा। तो नंबर एक तो बात मैं कहूँगा कि उसूल पर आप चलिए और इस कम की जो चीज़ें हैं उनसे हमें जितना दूर रह सकते हैं वो हमारे कौमी मफाद में होगा। दूसरी चीज़ आप जिक्र कर चुकी हैं कि फ्रांस एक बड़ा अहम मुल्क है। यकीनन उनके सदर ने जो इस्लाम के बारे में बयान दिया था, रसूल करीम की के बारे में उन्होंने नहीं कही था, उन्होंने इस्लाम के बारे में कोई बात कही थी जो हमें नागवार गुजरी। यकीनन इस्लामोफोबिया एक फेनोमेनन बना है जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं, और जो कोई गुस्ताखी रसूल की बात होती है उस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज होता ही नहीं, हम उस पर बिल्कुल एक सख्ती के साथ उस पर हम कारबंद हैं। लेकिन सवाल यह, क्या हम एक अकेला इस्लामी मुल्क हैं दुनिया में या 50-60 और भी इस्लामी मुल्क हैं? क्या ईरान में इस कम के मुजाहरे हो रहे हैं? क्या सऊदी अरब में ऐसे मुजाहरे हो रहे हैं? एक ले दे के सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है। और भला आप देखिए कि उनसे आप ये कह सकते हैं कि फ्रांस से कहो कि माजरत करे या इस कम की बात करें, वो कहते हैं नहीं, फ्रांस के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर लो। उसका नतीजा क्या है? एक तो फ्रांस बता दें खुद बड़ा एक अहम मुल्क है, हमेशा से उसकी एक असर रसूख रहा है, पाकिस्तान को एड भी देता रहा है, पाकिस्तान का बड़ा बायर है। तो पहले तो आप फ्रांस की अहमियत को के ख़िलाफ़ एक बात कर रहे हैं। दूसरे, फ्रांस ईयू का मेंबर होने की हैसियत से वहाँ पे भी बड़ा असर रसूख रखता है, बल्कि ईयू बनाई जो है उसके जो बनाने वालों में फ्रांस शामिल है। तो गोया आप ईयू के साथ अपने ताल्लुकात को ख़तरे में डाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मेरे ख्याल में बिल्कुल ही नाकाबिले कबूल हैं।
जो कुछ भी हुकूमत इसमें फैसला करती है उम्मीद है कि कौमी मफाद को देख के किया जाएगा और उसूलों पे किया जाएगा। अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया इस कदम के मॉब ने प्रेशर डाला कि ये फैसला करो और ये पॉलिसी बनाओ, तो फिर आपने एक बहुत एक खतरनाक रिवायत कायम कर दी, आइंदा भी जाके मुल्क को बड़ा शदीद नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है जी, आपकी तरफ आना चाहूंगी मैं फारूक सलीम साहब। आपने सुना शायद अमीन साहब को भी, अब पाकिस्तानी मईशत का यूरोप से कहां ताल्लुक है, और अगर फ्रांस और यूरोपीय ममालिक से ताल्लुकात खराब हो जाते हैं, सूरत में पाकिस्तान की मईशत पर, इकोनॉमी पर क्या असरात होंगे? देखिए, असरात की बात कर रहे हैं, मईशत की बात कर रहे हैं, खारजा पॉलिसी तो मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, आपके पास एक्सपर्ट उसके बैठे हैं जी। एक इशू ये है कि अगर किसी एक धड़े की बात सुन के फ्रांस के साथ हम ताल्लुकात खराब कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, कल को कोई एक और धड़ा कहेगा कि अमेरिका के खिलाफ भी हमारे बहुत सारे अजाइम हैं और अमेरिका के साथ भी आप अपने ताल्लुकात खत्म कर दें, कुछ महीनों के बाद कोई एक और धड़ा आ जाएगा वो ये कहेगा कि बरतानिया से भी अपने ताल्लुकात खत्म कर दें, तो क्या हम इन धड़ों की सुन के दुनिया भर से अपने ताल्लुकात खत्म कर देंगे? अब मामला ये है कि कुछ गलतियाँ, कुछ कोताहियाँ हमारी हुकूमत से हो रही हैं। देखिए, नवंबर के महीने में सोचे समझे मंसूबे के तहत हमें निगोशिएट करना चाहिए था एक एक पार्टी के साथ, जबकि उनके साथ हुकूमत खुद मुआहदा कर बैठती है कि हाँ हम ये चीज़ आपसे एग्री कर रहे हैं, और फिर जब वो बाहर निकलते हैं और हमारा कहना ये होता है कि जी वो ये कहते हैं कि आप मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे नज़र ये आ रहा है कि चाहे वो माशी मैदान हो, चाहे वो इंटरनल पॉलिसी के हवाले से हो, चाहे वो खारजा पॉलिसी के हवाले से हो, हुकूमत के पास कोई क्रेडिबल किस्म की, कोई ठोस किस्म की टीम एग्जिस्ट नहीं करती। अब ये कोई खोखा नहीं है, कोई दुकान नहीं है चलानी, यहाँ पे रियासत पाकिस्तान का कारोबार चलाना है, और माशी टीम के हवाले से तो मैं बड़ा क्लियरली आपको बता सकता हूँ कि हमने पहले सुना था कि एक माशी टीम आ रही है जो असद उमर के साहब की लीडरशिप में होगी, 8 महीने उन्होंने काम किया, फिर हफीज शेख साहब को ले आया गया, फिर सुनाई गया कि वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, फिर अचानक उनकी छुट्टी कर दी गई। तो पहले टीम तश्कील दी जाती है, फिर वो टीम बैठती है, वो मनसूबा बंदी करती है, फिर उन मनसूबों के ऊपर अमल दरामद होता है, और फिर कोई नतीज सामने आते हैं। अभी 50% वक्त जो है वो पीटीआई हुकूमत का गुजर गया, तकरीबन 32 महीने ख़त्म होने को हैं, और अभी तक हम देख रहे हैं कि एटलीस्ट माशी महाज में एक टीम तश्कील दी जा रही है। तो अभी टीम तश्कील दी जाएगी, फिर वो मनसूबा बंदी करेगी, फिर उन मनसूबों के ऊपर अमल होगा, तो जो बाकी 2-2.5 साल बचे हैं पीटीआई के पास, उसमें किसी किस्म के कोई नतायज सामने आने की उम्मीद नहीं, चाहे वो खारजा पॉलिसी के हवाले से हो या वो मईशत के हवाले से। ठीक है, अच्छा आप तो वैसे खुद हुकूमती टीम का हिस्सा रह चुके हैं, तो आप बड़ा बेहतर तजिया दे सकते हैं। अच्छा शायद अमीन साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान अगर फ्रांस के जो सफीर हैं उनकी मुल्क बदरी का फैसला कर लेता है, तो फ्रांस पर इसका क्या असर होगा? यकीन फ्रांस नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान एक अहम मुल्क है उसके साथ ताल्लुक बिगड़े। तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो गाइज़ आप देख रहे थे पाकिस्तान की ये एंकर फिज़ा खान, जो कि इंडियंस के बीच में काफ़ी पॉपुलर हैं, फॉर अ पॉजिटिव नोट नहीं नेगेटिव। आपको पता है ये हमेशा इंडिया के ख़िलाफ़ बात करती हैं, और इनका एक है तरीका बकबक करने का, जो कि इंडिया कि लोग बड़ा इरिटेटिंग तरीके से इंजॉय करते हैं, मतलब पता नहीं मुझे कैसे इंजॉय करते हैं। तो गाइज़ ये आज बात हो रही है फिज़ा खान के शो में, जो इमरान खान ने यू टर्न लिया है। यू टर्न मतलब कैसा यू टर्न आप समझ सकते हो, फिज़ा खान बात कर रही है, इमरान खान ने जो मतलब फ्रांस के सफ़ीर को वापस ना भेजने का एक कौम के सामने फ़ैसला लिया था, दूसरे दिन ही यू टर्न ले लिया, और यू टर्न ऐसा लिया है कि मतलब आप समझ सकते हो अब इन्होंने बोल दिया है कि फ्रांस के ख़िलाफ़ वो अपनी पार्लियामेंट में एक बिल लाएंगे और उसमें सभी वोटिंग करेंगे, और उस वोटिंग के बाद मतलब अगर वोटिंग आप समझ सकते हो पार्लियामेंट की वोटिंग में अगर नंबर आ गए तो फिर फ्रांस के जो हैं एम्बेसडर वो वापस जाएंगे, अगर नहीं आए तो फ्रांस के
एम्बेसडर यहीं पर रहेंगे। तो गाइज अब समझ में नहीं आ रहा सिचुएशन क्या बनती है, देखते हैं जो भी कुछ होगा आपके सामने आएगा। इमरान खान ने कुल मिला के ये पॉलिटिकल गेम टाइप का खेल दिया है। इमरान खान की पार्टी के लोग वोट देंगे नहीं देंगे ये तो ठीक है, अब अपोजिशन बॉडी पार्टी भी इसमें इन्वॉल्व हो गई है। अगर अपोजिशन पार्टी इसमें वोट नहीं देगी तो वो मतलब वो निशाने में आ जाएगी जो प्रदर्शनकारी हैं, और अगर वो वोट देती है तो डेफिनेटली ये बिल पास हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो ये एक लंबी प्रोसेस है, पार्लियामेंट का नेक्स्ट सेशन कब होता है ये पता नहीं, लेकिन जो प्रोटेस्टर हैं वो अभी तक ये उन्होंने बोल दिया है कि हम नहीं हटेंगे जब तक फ्रांस के जो राजदूत हैं वो बाहर नहीं जाते। तो गाइज ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा आज फिज़ा खान के शो में थोड़े सेंसिबल बंदे बैठे थे तो ये सेंसिबल बातें कर रही थी, नहीं तो ये एक कहानी टाइप की सुनाती है और मैं करके बड़बड़ाहटी टाइप की है और बड़ा इरिटेट करती है। तो आज इसके शो में ऐसा कुछ नहीं देखा। तो गाइज ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कॉमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दीजिए क्या इम्प्रूवमेंट की जाए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों ढेर सारा प्यार देने के लिए। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।